दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यहाँ पर क्या किया गया है, नीचे आपको तीन प्रॉब्लम दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई यूज नहीं करना है, तो लिखा हुआ है विदाउट मल्टीप्लाइंग, और आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे आंसर, देखिए दोस्तों ये हमें कैलकुलेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है, इस तरीके का मेथड। कैसे, वन बाय वन इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ये देखिए 103 इंटू 107, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा मल्टीप्लीकेशन चला जाएगा। इसको आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करते हैं। क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए, ये क्या है। देखिए 103 क्या है, 100 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं 103 बनता है। सिमिलरली अगर मैं 100 में 7 ऐड कर दूं 107 बनता है। अब यहाँ पर दोनों में अंडरस्टैंडिंग लीजिए, मैंने क्यों ऐसे ब्रेक किया, क्योंकि मुझे देखिए एक नंबर यहाँ कॉमन रखना था जो कि है 100, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ बनने लगता है। ये देखिए 103 को मैं लिख सकता हूँ 100+3, और 107 को मैं लिख सकता हूँ 100+7, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। अब आइडेंटिटी पे आ जाते हैं, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ सुटेबल होती है देख लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी होने वाली है जैसे कि x+a, ठीक है, और x+b। ये आइडेंटिटी अगर हम यूज़ करें तो दोस्तों इस तरीके से सिंप्लीफाई होती है, x² + ऑफ a + b आप यहाँ लिख दीजिए, x + ऑफ ab, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। सेम चीज़ देखिए यहाँ पर भी रखी हुई है। यहाँ पर क्या है, अब x की जगह यहाँ पर देखिए 100 रखा हुआ है, a की जगह यहाँ 3 रखा हुआ है, फिर x की जगह 100 आ गया, और b की जगह यहाँ 7 रखा हुआ है, और इस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या आएगा देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये आने वाला है 100 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि यहाँ x² लिखा हुआ है, प्लस ऑफ a+b। ए क्या था 3, बी क्या था 7, a+b हो गया, एक्स क्या था मेरा 100, ठीक है जी, प्लस ऑफ ab क्या है 3 × 7, ठीक है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया दोस्तों, ये ओपन हो गया, प्लस ऑफ ये बन जाएगा 10, 10 × 100, ये हो जाएगा 1000, प्लस ऑफ 7, 3 = 21। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिलने वाला है 1101, ठीक है ना। तो यहां पर बोल सकते हैं ये है इसका आंसर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर वही है, चीजें वही हैं, जस्ट हमें उसको सिंप्लीफाई करके देखना है किस बेस्ट तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि देखिए कॉमन होगा, और अगर हम 100 चूज करते हैं तो उससे तो बढ़िया बात ही नहीं है, क्योंकि हमें 0 में, देखिए 0 0 में नंबर मिल गया, तो काफी आसान हो जाता है 0 0 की कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, ये देखिए, ठीक है, फिर से वही अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। 95 को कैसे ब्रेक करेंगे, 95 को अगर मैं 100 में से 5 माइनस लिख दूं 95 बनता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर मैं 100 में से 4 माइनस कर दूं 96 बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी देख लेते हैं कौन सी यूज़ होती है, आइडेंटिटी यहाँ पर लिखते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी, यहाँ पर देखिए एक्स क्या था, यहाँ पर 100 है, ठीक है, ए क्या है यहाँ देखिए -5 है, फिर यहाँ पर x 100 आ गया, और बी क्या आएगा -4 आएगा। इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे और ये हमें सिंप्लीफाई होके मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है उसको देख लेते हैं एक बार, ये देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 100 -5, ठीक है, ये हो गया 100 -4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके क्या मिलने वाला है आपको, ये देखिए x² मतलब कि 100 का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस कर दिए ये -5 और ये हो गया -4, फिर एक्स था इसका मतलब यहाँ 100, प्लस ऑफ ये हो गया -5, ये हो गया -4, ठीक है जी। अब ये देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलने वाला है आपको, 100 का स्क्वायर मिलेगा आपको ये प्लस ऑफ माइनस माइनस, ये देखिए करके माइनस ऐड होगा, 5 - 4 आएगा -9 × 100, तो -900, ये होगा +5, 4 = 20। सॉल्व कर दीजिए इसको, काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए, ये मिलने वाला है कुछ आपको 9120, ठीक है ना, यही इसका यहाँ आंसर हो जाता है, ठीक है जी। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है, वही है, हमें 100 को बेस रखना है, कैसे भी कैसे रखेंगे 100 को बेस। अगर 100 में 4 ऐड कर देंगे 104 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम 100 में
चार माइनस कर देंगे तो 96 बन जाएगा। आप किस तरह की आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए एक्स प्लस ए और यहाँ आएगा एक्स माइनस ए, ठीक है ना। ये अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में देख लेते हैं एक्स क्या है, 100 है, ठीक है ना, और ए क्या है, ए है यहाँ पे 4, ठीक है। क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चलिए देखते हैं। इसको एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा 100 जो एक्स था, एक्स 100 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 जो कि ए था उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा ये इस तरह से माइनस ऑफ 4, 4 जा 60, माइनस कर देंगे, सीधा रिजल्ट मिल जाता है हमें 9984। 10,000 में से 16 को माइनस कर दिया गया है, आंसर आ जाता है आपका ये वाला, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पार्ट 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग यही है, हमें आइडेंटिटी अगर मिल जाती है तो हमें बेस देखना है। तो बेस ऑलवेज वो नंबर लीजिए जो जीरो जीरो के बहुत, जो जीरो से के बहुत करीब है। जैसे लेट से 100 लेंगे, कुछ और बनता तो 200 भी कभी हमें, तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।